तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पूरे 400 साल बाद यह शक्ति आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी स्वर्ग ना बन जाए तब कहना। दोस्तों समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है। जितना जल्दी हो सके आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लो, कहीं ये मौका आपके हाथ से चला ना जाए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कुंडली में जब ग्रहों की दिशा बदलती है तो हमारी दशा बदलती है। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक ऐसा बदलाव होगा जिसके बारे में आपने कभी ना ही सोचा होगा और ना ही जाना होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ग्रहों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे, ग्रहों में कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जिसका असर अब सीधा सीधा आपकी कुंडली के ऊपर पड़ेगा। और जब आपके कुंडली के ऊपर इसका असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बदलाव तो होगा ही, लेकिन क्या बदलाव होंगे आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह आप सभी को पता नहीं है। जी हाँ, दो बड़े शक्ति आपके कुंडली में प्रवेश कर चुके हैं। यह बहुत बड़ा तांडव अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जून काल में करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिए और अपने शब्र की बांध को टूटने मत दीजिए। आज की वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो बात आप सभी को जानने को मिलेगा, जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आप खुद कह उठेंगे, हे भगवान, हे प्रभु, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आप खुद कहेंगे जिसके बारे में हमने ना ही कभी सोचा है और ना ही जाना है, तो यह आखिरकार कैसे हुआ प्रभु? जी हाँ, तो इसी के ऊपर आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप अपना थोड़ा सा समय हमें जरूर दीजिए और यह 5 से 10 मिनट की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, यह दो बड़े शक्ति आपको अगले 24 घंटे के भीतर क्या देने वाले हैं, सावधान भी रहिएगा, कहीं कहीं आपको झटका भी मिलने वाला है। सबसे पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वो अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। इससे माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा आप और आपके परिवार के ऊपर बनाए रखेगी, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहां पूरी तरह से चरितार्थ होने वाला है। जी हाँ, कहने का तात्पर्य है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान एक मौका देने वाले हैं, लेकिन इस मौके का लाभ केवल वही लोग उठा पाएगा जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। जी हाँ, सभी को ऐसा मौका नहीं मिलता है और ना ही भगवान ऐसा मौका सभी को देते हैं। भगवान उन्हीं को ये मौका देते हैं जिनकी उन्हें इसकी जरूरत होती है। भगवान कुछ भी देने से पहले उनके अच्छे और बुरे कर्मों को देखते हैं, तभी उन्हें ये मौका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानबूझकर ये मौका आपके हाथ से जाएगा तो इसमें आपकी गलती होगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर दिखाई देगी। जी हाँ, इस समय आप गाड़ी वाहन खरीदना चाहती हैं तो बिल्कुल खरीद सकती हैं। समय बहुत अच्छा है, आने वाले अगले 24 घंटे खरीदारी बिक्री के लिए समय बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आप जमीन जायदाद भी खरीद सकती हैं, प्रॉपर्टी भी इस समय आप बेच सकती हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आज के दिन पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहेंगे। आज का दिन आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपके धन दौलत में वृद्धि होगी और
क्योंकि दोस्तों दो बड़ी शक्ति का आशीर्वाद एक साथ आपके जीवन में पड़ रही है। बहुत ही अच्छा परिणाम आपको अपने कामों में देखने को मिलेगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे सभी काम आपके बनते जाएंगे और उस कामों से बहुत ही अच्छा फल, बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। रोजी रोजगार में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। जिन लोगों के व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गए थे, ना के बराबर चल रहे थे, उनके व्यापार व्यवसाय में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है आने वाले अगले 24 घंटे की जो समय है आपके लिए सोने पे सुहागा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपके अपने पिछले समय में किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है। सितारे ऐसा हमें संकेत दे रहे हैं और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने से अपने पूर्वाग्रहों को आड़े न आने दें, इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएगी। जी हाँ दोस्तों, जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस का रूटीन का सवाल है, आप कुछ दिनों से लापरवाही बहुत ज्यादा करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसी तरह लापरवाही आप अपने स्वास्थ्य के बारे में करते रहेंगे तो आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर जाएं, नहीं तो आप अपने फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखना, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति कोई भी कंप्रोमाइज, कोई भी समझौता ना करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है, ये बात आप अपने अंदर गांठ बांध लो। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इससे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें, नहीं तो जल्द ही आपका जोश खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके अंदर जोश व उत्साह बहुत ही अच्छा रहेगा, गजब का उत्साह देखने को मिलेगा। जल्द ही आपका जोश जो है काम आने वाला है। सभी चीजों को लय में वापस आने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना आपके स्वास्थ्य के लिए काफी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका पार्टनर साथ देने वाला है और काफी मददगार है, इसलिए आप अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब आपको जरूर मिलेगा। आप अपने पार्टनर को इसके बारे में बताएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपको काफी मदद भी मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है तो आप कॉफी पीते हुए भी बात कर सकती हैं, चाय पीते हुए भी बात कर सकती हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप खुलकर अपनी बात को एक दूसरे के सामने रख सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन सट्टा उद्यमों के लिए उपयुक्त समय है, बहुत ही अच्छा समय है। जी हाँ, पर बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय अगले 24 घंटे तक आपको नहीं लेना है। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फैसला ले रहे हैं तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा करके ही लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ, इसलिए फिलहाल लॉटरी के मकर जाल में ना फंसें। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना हानिकारक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु आप हर हाल सिक्के के दो पहलू को गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा, जो कि फायदेमंद साबित होगा। सितारे कहते हैं इस समय आपके जीवन में अजीब ही घटनाएं हो रही है, जिससे भी आप मिलते हैं उनके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, विशेषतः विपरीत लिंगी को आप बहुत ही आकर्षित करेंगी, साथ ही आप उस कामों के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना पड़ रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है आपके लिए सोने पे सुहागा समय होने वाला है।
जी हाँ, बजरते आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप इस समय गाड़ी वाहन का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा कम कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, नहीं तो इस समय चोट चपेट छोटी मोटी दुर्घटना लग सकती है। तो आप घर पर ही रहें, समय स्वस्थ में समय बिताएं और अपने माता पिता के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आप